एक अधिवक्ता भीलवाड़ा न्यायालय के प्रकाश जी सारस्वत हमारे साथ हैं और ये आम चुनाव 2024 जो भारत की सबसे बड़ी संसद का चुनाव है, आप प्रकाश जी इस चुनाव को कैसे देखते हैं? इसके बारे में जो भीलवाड़ा से दोनों प्रत्याशी हैं, देखिए भीलवाड़ा लोकसभा से अभी जो दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों पढ़े लिखे होकर शिक्षित है, पर एक बात मैंने जो देखी, बीजेपी जो प्रत्याशी है दामोदर जी अग्रवाल, संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति उनकी वफादारी ज़बरदस्त है। उनका काम करने का तरीका बिल्कुल धरातल से लेकर ऊपर तक है। कहीं भी कोई भी काम हो, किसी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ते। कोई काम याद आता है आपको जो उन्होंने कोई आपका काम किया हो? बिल्कुल, ऐसा बहुत सारे काम कोई एक आधा याद स्मृति में हो तो बताएं। जैसे अभी 2023 में मैं परिवार से उत्तराखंड गया था बद्रीनाथ। अच्छा, बद्रीनाथ जी की यात्रा करके मैं वापस आ रहा था, लगभग 23 अगस्त 2023 की बात है। हेलंग के पास आया, जोशीमठ से आगे, वहाँ देखा तो आगे हमारे को कुछ पुलिस वालों ने रोक लिया, कहा कि आगे रास्ता ब्लॉक हो गया है, पहाड़ी ढस गई है और आप आगे नहीं जा सकते हो, आपको जोशीमठ में या वापस बद्रीनाथ जी में या हेलंग में कहीं आपको जहां जगह मिले वहां आप रुक सकते हैं। तो 13 अगस्त को मैं वापस रिटर्न हुआ जोशीमठ की तरफ से, हेलंग से आगे रोड पे करीब 4-5 होटलें बनी हुई है और काफ़ी व्यक्ति वहां इकट्ठे हो रखे थे, लगभग तादाद होगी उनकी 4-5 हज़ार पर, 4-5 हज़ार लोग थे। हाँ, जिसमें मैं जैसे ही निकल रहा था और मुझे भीलवाड़ा के कथावाचक है, मेरे अच्छे मित्र भी है पंडित पुष्पेंद्र जी ओझा, उन्होंने मुझे हाथ दे के मेरी गाड़ी को रुका लिया। तो भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात हो गई, मैं वापस जोशीमठ जा रहा हूँ, वहाँ सुविधाएं अच्छी है, मैं रात वहीं रुकूंगा, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग जाएगा, कोई सोल्टी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार नहीं भाई साहब, यार आप हमारे साथ रुको, हमारे साथ महिलाएं भी है, आदमी भी है और सब हम बद्रीनाथ कथा करके वापस आ रहे हैं, ये त्रासदी आ गई है तो आपको हमारे साथ यहीं रुकना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ठीक है, अपने भीलवाड़ा के है आसपास के गांव के करीब 200-300 व्यक्ति भीलवाड़ा जिले के थे, तो 13 भीलवाड़ा जिले के 200-300, हाँ भीलवाड़ा जिले के थे, आसपास चित्तौड़ जिले के भी थे, आसपास के बहुत सारे लोग भी थे, पर वो उन्होंने मुझे रोक लिया वहीं के, भाई साहब आपको यहीं हमारे साथ रुकना पड़ेगा। तो मैं वहीं रुक गया, वहाँ रुका तो देखा कि होटल वाले मनमर्जी पूर्वक कमरे का किराया ले रहे हैं या खाने के पैसे बढ़ा दिए, चाय के पैसे बढ़ा दिए। तो 13 तारीख को हम वहीं स्टे किया हमने होटल में, वहीं रोड पे होटल बनी हुई थी तो वहीं कमरा ले लिया हमने और वहीं स्टे किया। स्टे करने के बाद दूसरे दिन मैंने होटल वाले से वहाँ के लोकल MLA के नंबर लिए, लोकल MLA था गुड्डू भाई। अच्छा, तो मैंने उससे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब कल तक रोड क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगा कि ये झूठा आश्वासन दे रहा है, क्योंकि 7 किलोमीटर के दायरे में जो वो पहाड़ गिरे, 7 किलोमीटर का रास्ता पूरा ब्लॉक था, आगे पागल नाले की तरफ तक, हेलंग से पागल नाले की तक। तो फिर मैंने उनको कहा यार कि मैंने सोचा ये साला झूठ बोल रहा है, मैंने देखते हैं, संदेह हुआ। हाँ, तो देखते हैं कल तक क्या होता है। 14 तारीख को भी कोई काम नहीं हुआ, 14 तारीख को काम नहीं हुआ तो फिर मैंने क्या किया कि 15 अगस्त को सुबह सुबह दिमाग में आइडिया आया क्या कि दामोदर जी साहब को फ़ोन करते हैं, 100% वो कुछ मदद करेंगे, कुछ मदद ज़रूर करेंगे। उन्होंने, मैंने उनको तत्काल फ़ोन लगाया 15 अगस्त को सुबह करीब 8-9 बजे, उन्होंने फ़ोन भी रिसीव किया मेरा, उनका क्या हालचाल है, कहाँ हो? मैंने कहा भाई साहब मैं ऐसे ऐसे या हेलंग में हूँ और अपने भीलवाड़ा चित्तौड़ जिले के आस पास के जिले के लड़ा के भी करीब 200-300 व्यक्ति यहाँ फंसे हुए हैं और यहाँ इनको खाने पीने की इनकी किल्लत महसूस हो रही है, क्योंकि होटलों में ज़्यादा दिन का खाना भी नहीं था, राशन भी इतना नहीं था, तो धीरे धीरे कम पड़ने लग गया और पब्लिक 4-5 हज़ार पब्लिक थी। तो भाई साहब ने कहा कि तत्काल मुझे लोकेशन भेज, तो मैंने उस जगह की तत्काल भाई साहब को लोकेशन भेजी, इन्होंने सीधी फॉरवर्ड कर दी पीएमओ ऑफिस में। PMO ऑफिस में OSB थे कोई जोशी जी, उनके फॉरवर्ड की PMO ऑफिस से
हाथों हाथ फॉरवर्ड हुई पुष्कर सिंह जी धामी जो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, वहाँ उन सबके स्क्रीनशॉट भाई साहब ने मुझे वापस भेज दिए, भेजे। 15 अगस्त का कार्यक्रम निपटा या नहीं निपटा, लगभग 11:30 बजे प्रशासन का सारा प्रशासन के व्यक्ति जिसमें तहसीलदार SDM सभी आला अधिकारी, हाँ कलेक्टर SP सब मौके पर वहाँ आ गए। पूछा कि सरस्वती जी कौन है प्रकाश जी, मैंने कहा मैं हूँ। मुझे उन लोगों ने कहा कि आपकी व्यवस्था हमने जोशीमठ में कर दी है, आप जोशीमठ चलिए। मैंने कहा मैं अकेला जोशीमठ क्यों जाऊँ, मेरी व्यवस्था की अकेला क्यों, इतनी पब्लिक यहाँ है इनकी व्यवस्था करिए, मैं इनके साथ मैं भी चला चलूँगा। क्योंकि भिलवाड़ा जिले के जो व्यक्ति थे वो बड़े बुजुर्ग थे, कथा सुन के आए थे, बुजुर्ग महिलाएं भी थी। तो मैंने कहा इन सबकी व्यवस्था करिए आप, मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ और मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, यहीं रुकूँगा इनके साथ ही। तो फिर उनका आपकी क्या मदद कर सकते हैं, मैंने कहा पहले इन होटल वालों का पाबंद करिए आप कि होटल वाले ज़्यादा पैसा नहीं ले रहे, जो लूटामारी मच रही है वो बंद हो। दूसरी चीज़ तब दे, इतने में से एक महिला बोली भिलवाड़ा जिले की कि भाई साहब मेरे से 20 रुपये उस होटल वाले ने चाय के ले लिए। तो पुलिस वाले गए, तहसीलदार साथ था, मुझे साथ ले गए, वहाँ गए उस होटल वाले के 10,000 रुपये का चालान तत्काल बना दिया। और होटल वाला था BJP का मंडल अध्यक्ष, तो पार्टी का होने की वजह से उसको छोड़ा नहीं, उसका भी चालान बनाया, चालान बना के। और रातों रात भाई साहब का फोन आने के बाद तत्काल सारी मशीनरी लग गई उसको, मलबे को हटाने में, नया रोड तैयार करने में, जो 7 दिन का काम था वो 2 दिन में काम हुआ। 2 दिन में काम होने के बाद भी रात को उस रास्ते से निकलने नहीं देते हैं, फिर भी प्रशासन ने हमारे को निकाला। और 7 दिन का काम भाई साहब के फोन की वजह से, दामोदर जी की एक्टिविटी की वजह, एक्टिविटी कार्यशैली। मैं यही तो कह रहा था कि काम किसी को, किसी भी काम को कोई पेंडिंग नहीं छोड़ता। तो 2 दिन में काम सफल हुआ। और वहाँ एक BJP का पूर्व मंत्री हिम्मतनगर का, गुजरात का, वो भी वही मौके पे मौजूद था, वो आया मेरे पास। उन्होंने मुझे कहा यार भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है यार ये ठीक। मैंने कहा मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने दामोदर जी साहब के फोन लगाया, हमारे वहाँ के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने ये काम किया। तो उनका दामोदर जी साहब तो मेरे प्रभारी रहे हैं यहाँ पे और वो तो मेरे राजनीतिक गुरु है, उन्होंने मुझे चुनाव जिताया और भाई साहब से मेरी भी बात करो। उनके पास भी नंबर मिले दामोदर जी साहब के, गुजरात का था MLA, पूर्व MLA, उसने भी भाई साहब को फोन किया और धन्यवाद दिया। करीब करीब जितनी भी जनता बैठी हुई थी वो MP की थी, UP की थी और अपने राजस्थान की थी, जितनी भी पब्लिक थी दिल्ली के थे, हरियाणा के थे, पंजाब के थे, सारे ने एक ही चीज़ की कि यार के नेता हो तो दामोदर अग्रवाल जैसा। यहाँ हम भी न जाने किन किन नेताओं के फोन किए, हमने भी उन लोगों ने बताया हमारे, पर हमारा कोई काम नहीं हुआ नहीं, चलो आश्वासन दिया हमारे। फिर गुड्डू भाई के मैंने फोन लगाया MLA को, मैंने मौके पर बुलाया उनको, वो आए। उनको फिर मैंने कहा आप लोकल होते हुए आपने काम नहीं करा पाए और हमारे राजस्थान के भिलवाड़ा जिले के दामोदर जी साहब है जो संगठन में काम करते हैं BJP के, उन्होंने एक फ़ोन पे काम करा दिया। मैंने उनके वो जो स्क्रीन शॉट थे जहाँ जहाँ अजय पी एम उमेर सत्य अपने उत्तराखंड सरकार को जो भेजे वो सारे मैंने बताए उनको, वो भी मान गए यार का भाई साहब के नंबर। इसलिए आप दामोदर जी को ज़्यादा लाइक? नहीं नहीं, इसके अलावा भी चूँकि संगठन में उनके अधीनस्थ मैंने काम किया है और उनकी कार्यशैली इतनी गजब की है, आज भी एक 25 साल पहले मिला हुआ व्यक्ति आज भी कार्यकर्ता उनके पास चला जावे तो भाई नेम बता देते हैं उनको कि यार तू कैसा है। एक संगठन के तौर पे तो ठीक है, आपने उनको कुशल नेता बता दिया, पर हम ये कह रहे हैं कि भीलवाड़ा लोकसभा की सीट के लिए क्या वह संसद के अंदर भीलवाड़ा की आवाज पुरजोर तरीके से रख पाएंगे? पुरजोर तरीके से क्या, आप देखोगे संसद में जाने के बाद नेता की आवाज़ आपको TV के माध्यम से पता चलेगी। इतना ज़बरदस्त नेता और राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले, आने वाले 5 सालों में भिलवाड़ा का विकास देखना आप कैसे होता है कायाकल्प होगा। 26 अप्रैल को चुनाव है द्वितीय चरण के, जनता को आप लोगों से क्या अपील? मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में बूथ पे आएं, अपना मतदान करें, राष्ट्र हित में
देश हित में और विकास हित में अपना मतदान करें। एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। जितने ज्यादा मतदान होगा उतना ही ज्यादा विकास होगा, ये मान के चले आप। प्रत्येक व्यक्ति अपने हजार काम छोड़ के राष्ट्र हित में मतदान करने अवश्य जाएं। मेरी सभी से ये विनती है और मैं सभी को इसीलिए जागरूक भी करता चला रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। तो ये थे प्रकाश जी सरस्वत एडवोकेट। मैं एडवोकेट सीताराम सोनी, संपादक खबर भीलवाड़ा से। धन्यवाद।